बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं ईद स्पेशल शीर खुरमा, जिसके लिए हमने सेवैयाँ ली हैं, हमने ये डेट्स ली हैं, ये सॉफ्ट वाली नहीं हैं, आप छुहारे भी डाल सकते हैं, बादाम लिए हैं, पिस्ते लिए हैं, और कंडेंस्ड मिल्क और देसी घी और दूध जाएगा इसमें। जी, और साथ इलायची भी अगर आप होल पसंद करते हैं तो वो डालें, हम नहीं पाउडर तो हाँ डालेंगे, जी हमने पाउडर वाली इलायची डालनी है। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। जी मैंने ना 1.5 टेबल स्पून डाला है घी, तो उसके अंदर सेवैयाँ डाल के ना इनको थोड़ा भून लेना। बस इनको ज़रा ही होता है कि हल्की हल्की आंच पे ही करना है, एकदम से जले नहीं। जैसे पीस थोड़े लंबी होती है ना, थोड़े छोटे छोटे ही कर लें, वरना फिर ऐसे ना मिक्स करना मुश्किल होता है। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर टू मच ऑयली हो जाता है, क्योंकि इसके जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना उनको भी हल्का सा फ्राई करना है इसमें डालने के लिए। तो इसका कलर चेंज होने तक इसको थोड़ा सा भूनते हैं। जी ये देखें, कलर इतना अच्छा गोल्ड सा हो गया है ना, तो मैंने दूध को गर्म रखा हुआ था पहले का, तो बस अब इसको इसके ऊपर डाल देना। ठंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके साथ ये गर्मी हो मैंने जा रही है। सेवैयाँ भूनते हुए ना, मैं साबुत इलायची नहीं यूज़ कर रही ना, तो मैंने 1/2 टीस्पून पाउडर डाल दिया था साथ। सॉरी मैं दिखाना भूल आप गई। भी पाउडर ही डाल लें, खाया जाएगा, दूसरी फिर निकालनी पड़ती है। ये अब इनको ना इधर थोड़ा सा आपका दूं कि ये वो ज़रा पकना शुरू हो जाए ना, तो इसको फिर हल्की आंच पे छोड़ देंगे। तो इतनी देर में वो अपने हम जो नट्स वगैरह हैं ना उनको चॉप कर लेते हैं, फिर उनको हल्का सा फ्राई करना है, तो इसके अंदर ही फिर वो भी डाल देने हैं। ये जब तक हमारी सेवैयाँ बन रही हैं तो ये इनको भी रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा देसी घी डाला है 1 टीस्पून के अगर करीब। आप चाहें तो कोकोनट भी डाल सकते हैं वैसे ना, ये घी भी इसमें तकरीबन बमुश्किल 1 टीस्पून था, टीस्पून ही तो किया है। बस इसको हल्का सा रोस्ट ही करना है। बस थोड़े से बचा लिए थे जैसे गार्निशिंग के लिए, जैसे बाकी के डाल दिए थे। बस इनको थोड़ी देर ही करना है, फिर गैस ऑफ कर देंगे इसके। हाँ जी, फिर इनमें वो कुछ सेवैयों में मिक्स कर देना बाद में। जी देखिए इसको कुक होते हुए थोड़ा टाइम हो गया है, अभी डन नहीं हुए हैं, लेकिन अब फिलहाल इसके अंदर ना ये हमारे जो हमने नट्स किए थे ना ये डाल देना है। अगर इनमें कोई चीज़ नहीं पसंद तो बंदा स्किप कर ले, लेकिन आपको पता है जो ऐसी चीज़ें हैं इनके साथ ही अच्छी लगती हैं। हालांकि हमारे भी बच्चा कोई नहीं ये खाएगा बड़े खाएंगे, लेकिन चले उनके लिए थोड़ी सी सेपरेट बनाएंगे, क्योंकि उनके उसके अंदर सिर्फ किशमिश जाएगी बस, बड़ों और में भी कुछ हम नहीं ही आते जाएगा हैं, हम ही खाएंगे। तो अब इसको और थोड़ा कुक होने देंगे। इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल देनी है। ये कुक हो गई है ना, अब जी बस इसको ऑफ ही तकरीबन करना। 100-150 क्योंकि जितने डाली है इसका कोई नहीं मसला, आप सारी फुल्ली डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अच्छी लगती है क्रीमी क्रीमी सेवैयाँ। मैंने वैसे ना इसके अंदर कह लें 1.5 से 2 टेबल स्पून के जितनी किशमिश भी डाल दी थी, क्योंकि मैं 7 बच्चों के लिए जस्ट किशमिश वाली बना रही थी, तो मुझे ज़्यादा है इसमें तो मैंने डाली नहीं, तो मैंने इसमें भी डाल दी थी थोड़ी सी उस पॉइंट कोई पे बात नहीं, आप रेसिपी चेक कर लें, उधर सारा कुछ ही सारा कुछ मिलेगा। होएगा। तो बाकी अब ये अगर कंडेंस्ड मिल्क नहीं आपने डालना तो आप शुगर डाल लें, और मीठा वगैरह आपको पता आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस अब ये नीयरली डन है, इसको ना बस ये करें कि जब मिक्स मिक्स ही करके करना ना है ऑफ अच्छी कर तरह। देंगे फिर।
जी मेरा ख्याल है अगर आप कंडेंस्ड मिल्क नहीं डालेंगे, शुगर डालेंगे, तो आई थिंक 1 कप तो डल ही जाएगा, वरना आप थोड़ा टेस्ट करके डालें, बंदा एडजस्ट कर लेता है। कम डाल के टेस्ट कर लें, उसका तो इलाज है, ज़्यादा नहीं डालें, कम लगेगी तो और डाल लें। जैसे मैंने थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क पीछे कर लिया था। बस इसको मिक्स करते हैं, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये ले हमारा शीर खुरमा रेडी हो गया है, बहुत अच्छा और मज़ेदार लग रहा है, लेकिन हम खा नहीं सकते, रोज़ा है। आप ज़रूर ईद पे बनाना, ट्राई करना कैसा बना, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा, ये बहुत मज़े का बनता है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके साथ ही हम आज की अपनी रेसिपी का एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। आइंदा फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।